मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर में डेथ सर्टिफिकेट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज एनसीपी के नगर सेवक शानू पठान खुद कफन पहनकर अपना डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए ठाणे महानगर पालिका के मुख्यालय पर पहुंच गए। इस दौरान महासभा में भी घुसने की कोशिश की, मगर सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि महासभा में कफन पहनकर नहीं जा सकते, आपको अगर जाना है तो कफन उतार कर जाओ। डेथ सर्टिफिकेट के लिए शानू पठान ने डेड बॉडी ठाणे मनपा मुख्यालय ले जाने की बात कही थी, मगर शानू पठान ने खुद कफन पहनकर अपना ही डेथ सर्टिफिकेट मांग ले ठाणे मनपा मुख्यालय पर पहुंच गए। शानू पठान के साथ मुंब्रा प्रभाग समिति की अध्यक्ष अश्विन राउत, शाकिर शेख, बबलू सेमना और भी ऐसे कई नगर सेवक मौजूद थे। इस दौरान शानू पठान ने मुंब्रा कौसा की जनता को डेथ सर्टिफिकेट के लिए हो रही तकलीफों को दूर करने के लिए डेथ सर्टिफिकेट की मांग करते हुए काफ़ी हंगामा किया। जिस तरह से हम आपको इस मसले पर कई बार खबरें दिखा चुके हैं, प्रहार टाइम्स के पास भी कई लोग डेथ सर्टिफिकेट न मिलने पर अपना दुख जताया है। आखिर क्यों डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह आरटीआई कार्यकर्ता बताया जा रहा है। डॉक्टर भी डेथ सर्टिफिकेट देने से आरटीआई कार्यकर्ता से डर रहे हैं। शानू पठान ने भी बताया कि हलीमा और विनोद गुप्ता की नेचुरल डेथ होने पर दिन रात बॉडी घर में रखी रही, कोई डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट देने को राजी नहीं था। अस्पताल से डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो डॉक्टरों से ही डेथ सर्टिफिकेट लिया जाता है, मगर आरटीआई कार्यकर्ता से डर कर कोई भी डॉक्टर मुंब्रा कौसा में किसी को भी डेथ सर्टिफिकेट देने को राजी नहीं है। शानू पठान ने कफन पहनकर डेथ सर्टिफिकेट मांग करते हुए मनपा मुख्यालय के बाहर हंगामा किया। महासभा में भी कफन पहनकर घुसने की कोशिश की, जिसके बाद मनपा कमिश्नर संजीव जायसवाल खुद नीचे आकर शानू पठान से मुलाकात की और शानू पठान से जानकारी ली कि आखिर मुंब्रा कौसा के डॉक्टर क्यों डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, कौन सा आरटीआई कार्यकर्ता है जो डॉक्टरों को डरा रहा है, जिसके बाद शानू पठान को जल्द ही इस मसले को हल करने का आश्वासन दिया है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से शानू पठान ने मनपा मुख्यालय के सामने डेथ सर्टिफिकेट को लेकर हंगामा किया और महासभा में घुसने की कोशिश की और क्या कुछ कहा है डेथ सर्टिफिकेट को लेकर। सबसे ज्यादा डर ये है ब्लैक मेल हरियाली और दूसरा इतना जिसको बिल्डरों को पसंद करता था और ये डॉक्टरों को पसंद करता मेन इसकी मांग ये कि पैसा मिलेगा वो सभी डॉक्टर डीसी इशू कर सकते हैं और डर इस बात का है कि आप जाने के बाद तो कोई जो झुकने वाले हो वो मिलेंगे क्या प्राइवेट डॉक्टर से मिले गवर्नमेंट का डॉक्टर पास नहीं शिवाजी हॉस्पिटल में लोग को भेजते तो पोस्टमार्टम लोग केम सर डॉक्टर को एक मीटिंग करके या तो बोल दिया जाए कि पहले देते थे तो डीसीबी नहीं मिल रहा है डीसीबी नहीं मिल रहा है या तो सर अपने पास आठ ऑफिसर डॉक्टर है एक जन अगर उपाय
मुमराकोसा के अंदर नेचुरल डेथ होने के बावजूद मुमराकोसा के डॉक्टरों ने मृत्यु दाखिला देना बंद कर दिया। उनका ये कहना है कि कुछ लोग उनको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, लेकिन जो लोग मुंबई केएम जेजे नायर जैसे मैं हॉस्पिटल में इलाज करा थे, वो परिवार डेथ सर्टिफिकेट कहाँ से लेगा अगर मुमराकोसा के अंदर डॉक्टर देना ही बंद कर देंगे। मैं धारे महानगर पालिका में इसलिए आया हूँ, माननीय महापौर महोदय साहब से, माननीय आयुक्त साहब से मांगनी करने आया हूँ कि थाना में शिवाजी हॉस्पिटल के अंदर 8 सीनियर मेडिकल डॉक्टर है, उनमें से एक को तुरंत मुमरा में अपॉइंट किया जाए ताकि वो सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट दे। मैंने हाल ही में स्टैंडिंग में ये मुद्दा उठाया था, लेकिन आज ये इसलिए महासभा में आना पड़ा कि 86 उम्र की हलीमा भी सुबह से इंतकाल होकर उनकी बॉडी मैयत रखी है, उनको डेथ सर्टिफिकेट कोई देने वाला नहीं। ऐसे ही 12 तारीख को विनोद गुप्ता करके एक आदमी की डेथ हुई थी, उसकी बॉडी सुबह से लेके 4 बजे रात में, सुबह मतलब 4 बजे डेथ हुई और रात तक उस शाम तक उनको कोई देने वाला डेथ सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं। वजह यही है कि उनका अलग अलग ऑप्शन है, वो बोलते बाहर गए, लेकिन एक्चुअली में मैं उनकी शिकायत ये है कि कोई उनको ITR के माध्यम से कोई ब्लैकमेलर उनको परेशान करता है कि तुमने 3000 डेथ सर्टिफिकेट इशू किया, तुमने 4000 डेथ सर्टिफिकेट इशू किया, ऐसे ही ब्लैकमेलिंग का धंधा करने के लिए उनको परेशान किया जा रहा है। इसीलिए जिनके पास डेथ सर्टिफिकेट है भी, वो भी छुपा के रखे, वो देने तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि वो हमारे यहाँ पेशेंट नहीं था। मेरा यही सवाल है कि अगर वो नायर में इलाज करा रहा है, वो मुंबई में इलाज करा रहा है, तो आपका पेशेंट कैसे हो सकता है? उनको वहाँ से डेथ सर्टिफिकेट होगा नहीं। लोग शिवाजी हॉस्पिटल में मैयत को बेचते तो पोस्टमार्टम के लिए कहा जाता है, पोस्टमार्टम के लिए लोग डरते हैं। ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, मेरा साफ तौर पे इल्ज़ाम है, ये डेथ सर्टिफिकेट किसी क्लर्क के जरिए शिवाजी हॉस्पिटल से उन्होंने हासिल किया 10,000 रुपये लेके। मतलब ऐसे तो जो लोग अगर RTI के माध्यम से कुछ गलत काम ना हो इसके लिए रोकने कर रहे हैं, तो इससे तो गलत काम बढ़ रहा है। मतलब डेथ सर्टिफिकेट लोगों को मिलता था ऐसे ही, आज 9-10 हज़ार रुपये लेके उस परिवार को, विनोद गुप्ता के परिवार को मिला। शाम के 2 बजे 2:15 बजे की 2:15 की डेथ बताई, लेकिन उसकी जो अर्थी है, जो मैयत है, रात को उसको जलाया गया। आज महासभा है, क्या उम्मीद है मनपा प्रशासन से? ये मांग है कि 8 सीनियर मेडिकल डॉक्टर ऑफिसर उधर है शिवाजी हॉस्पिटल में, उनमें से एक को तुरंत कलवा दीवा मुमरा के अंदर भेजा जाए, ताकि वहाँ पे आरोग्य केंद्र के अंदर वहाँ पे लोगों को तुरंत एक ही काम के लिए DC दिया जाए। आज महासभा में यही मैं बोलने जा रहा हूँ माननीय महापौर साहब के पास कि ये गंभीर विषय, मैंने स्टैंडिंग में कहा था कि अब ऐसा होगा तो मैं जिसकी मृत्यु हुई है उसको यहाँ लाऊंगा, लेकिन परिवार के अंदर किसी की इंतकाल और मृत्यु होती है तो दुख का माहौल रहता है, ऐसे में उसकी मृत्यु यहाँ लाना उचित नहीं है। इसलिए मैं खुद एक जीता जागता आदमी कफन बांध के आया हूँ कि मैं मरा हूँ, मुझे डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।